खोरावर थाना क्षेत्र के रविशंकर पुत्र ओम कैलाशपति का गिरधरगंज कूड़ा घाट में स्वदेशी पैराडाइज माल है, जो काफी दिनों से घाटे में चल रहा था। वहीं शॉप के मालिक कर्मचारियों का वेतन देने में भी असमर्थ साबित हो रहे थे। चूंकि माल का इंश्योरेंस हुआ था, उसी को देखते हुए शॉप के प्रोपराइटर ने दुकान में आग लगाकर इंश्योरेंस से पैसा लेने की प्लानिंग बना डाली, लेकिन कैंट पुलिस ने उनके सभी प्लान पर पानी फेर दिया और घटना के पूर्व ही दोनों शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। कैंट थाने में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने बताया कि कैंट पुलिस को उस समय सफलता मिली जब वे विष्णुपुरा मोड़ पर हैंड्सअप चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक मारुति वैन रानी डीहा की तरफ से आती दिखाई दी, जिसे रोका गया तो गाड़ी में बैठे दो व्यक्ति शक पका कर गेट खोल कर भागने का प्रयास किए, लेकिन मौके पर पुलिस ने उन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया। पूछताछ में इनकी पहचान रविशंकर पुत्र ओम कैलाशपति निवासी मोहवी सुघरपुर थाना खोराबार तथा प्रिंस उपाध्याय पुत्र दिनेश उपाध्याय निवासी छर बाव युगो थाना खोराबार के रूप में हुई। इनके पास से पुलिस ने 32 बोर का एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, मिट्टी का तेल, दस्ताना, माचिस बरामद किया है। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने बताया। हम आ गए हैं बस कितना टाइम हुआ स्वदेशी पैराडाइज स्वदेशी पैराडाइज कूड़ा घाट 3 मंजिला है ये 3 मंजिला कर्जे सर करीबन 7 महीने से चल नहीं रही थी, मतलब इनका 1000-2000 रुपए का इनका कुछ इनकम हो रहा था। थाना कैंट के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी, इनके चौकी प्रभारी मनीष द्वारा जब हैंड्सअप चेकिंग की जा रही थी, उस दौरान एक सफ़ेद रंग की मारुति वैन इनसे टकराई। उसकी चेकिंग के दौरान इन्होंने पाया कि 2 व्यक्ति उतर के भागने का प्रयास कर रहे थे। दोनों की चेकिंग के दौरान एक तमंचा 32 बोर और एक देसी बंदूक 315 बोर ये प्राप्त हुए। इनके पास से मिट्टी, तेल और जलाने की सामग्री प्राप्त हुई। ज़्यादा जानकारी करने पर पता चला कि ये दोनों एक स्वदेशी पैराडाइज मार्ट में अपनी दुकान चलाते हैं और इंश्योरेंस का पैसा हड़पने के उद्देश्य से अपने ही मार्ट में आग लगाने जा रहे थे। इन दोनों को लेके आगे पूछताछ अभी की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर क्या कारण था आग लगाने का, इस तरह कुछ बता पाए? इनके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया है कि इनका मार्ट चल नहीं रहा, इस कारण से ये इंश्योरेंस का पैसा क्लेम लेना चाह रहे थे, तो इसीलिए इसी के तहत इन्होंने प्लानिंग। कुछ बकायदार भी थे क्या ये? अभी पूछताछ में क्लियर हो, अभी पूरी बात क्लियर हो जाए, इंश्योरेंस वालों से भी बात हो जाएगी तो सारी बात खुल के विवेचना में आ जाएगी। कितने लोग थे? और वैन में 2 लोग बैठे थे और दोनों के पास असला था, एक के पास पिस्टल थी 32 बोर की और एक के पास देसी कट्टा जो कहते हैं वो था 315। पहले से अपराधी भी हैं क्या? अभी आपराधिक इतिहास इनका खोजा जा रहा है, कुछ होगा तो उसको भी विवेचना में शामिल किया। अभी 2 लाख रुपए के करीब इनका वेतन था, तो हर महीने 5 लाख रुपए इनका स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं वो था, उनसे निकल नहीं रहा था, काफ़ी बकाया हो गया था, तो इसीलिए इन्होंने ये किया गया 3 लाख रुपए। जो हम मार्ट में काम करते हैं, 2 लाख रुपए पर मंथ का, बिल्कुल।